जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। क्या नाम है आपका बहन? मेरा नाम पूजा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं अलीगढ़ जिले में रहने वाली हूँ जी। धाम पर पहली बार कब आई थी? मैं अपने मायके से आई थी, मायके में रह रही थी। मैं जब धाम पर आई थी जी, तो जब मैंने मायके में इनको देखा था, मेरे चाचा जी ने बताया था, जिला अलीगढ़ जिला में छतारी पर जी बहन, वहाँ मैंने अखंड ज्योत जलाई थी जी बहन। हाँ, तो वहाँ वहीं से मेरे को भावना जाग गई थी कि मुझे कुछ करना है जी बहन, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ दाम से जुड़ के कुछ करना है जी बहन। जब इसी में जुड़ गई थी, मेरी भावना सिर्फ सुंदरकांड के लिए होती थी, तो मात्र मेरे पे 100 रुपये जी बहन। मेरे पे पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपनी माँ से बोला, मम्मा मुझे पैसे चाहिए, मुझे सुंदरकांड करवाना है। मैंने अपनी बहनों से बोला, मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने जी और मेरे रिश्तेदारों ने साथ दिया था और सुंदरकांड करवाया था। बहुत बड़ा सुंदरकांड हुआ, उसमें भंडारा भी हुआ, जितनी उम्मीद भी नहीं थी जी। उसमें बालाजी भी आए थे। अरे हकीकत में वो बालाजी ने भी आकर के सुंदरकांड सुना था, ये पता भी नहीं था, इतना चमत्कार सा हुआ और पता भी नहीं था जी बहन। आपने क्या अर्जी लगाई थी बालाजी सरकार के? मैंने पहली बार तो मैंने सुंदरकांड के लिए ही प्रार्थना की थी जी बहन। सेकंड मैंने अपने बच्चे के लिए लगाई थी जी बहन, जो उसने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में टॉप किया था जी बहन, और सैनिक स्कूल में उसका नंबर आया था, तो मैं धाम पर आई थी जी बहन। तो वो गया नहीं था वहाँ सैनिक स्कूल में, उसने मना कर दिया था कि मुझे वहाँ नहीं रहना, तो वो धाम पर अपनी अर्जी लगा गया था कि मुझे नहीं जाना है जी बहन, दूर मम्मी से कहीं नहीं जाना है। मैंने अभी टाइम फिलहाल अलीगढ़ रहता है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है जी बहन। और जो अगर कहीं कष्ट में जो इंसान होता है, वो कहीं सुख नहीं मिलता, बागेश्वर धाम आ जाए वहाँ सबसे बड़ा सुख मिलता है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने भावना में सोचा है, और सत्य का मार्ग अपना लो, अपने आप ही जीवन में उद्धार होता चला जाता है। जीवन में जो उद्धार पाओगे, अपने जो मार्ग में कभी गलती मत करो, सत्य का मार्ग पकड़ लो, अपने आप उद्धार हो जाता है। अगर तुमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, मैंने ठान लिया था ये काम मुझे करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने धाम पकड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया, मोह ममता माया सब छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ गुरु का आशीर्वाद लिया, गुरु से गुरु दक्षिणा ली थी, सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने कुछ मनोकामना मांगी थी, क्या मनोकामना थी मांगी थी एक, और उसके कारण मुझे कष्ट भी बहुत आए थे, ये बेटी मांगी थी, मुझे कष्ट भी बहुत मिले थे, और मुझे परिवार वालों ने बहुत टॉर्चर भी किया था। कितने साल बाद आपको संतान प्राप्ति हुई? 16 साल बाद हुई। 16 साल बाद ये बेटे तो थे मेरे पास, बेटियां हुई 16 साल बाद बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम मुझे पता भी नहीं था अरे कि मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा, और मैं ऐसी कोई मनोकामना मांग कर कि मैं डॉक्टर के द्वारा से मैंने ये मांगा, फिर मैंने डॉक्टर से सलाह ली, उनके द्वारा फिर दवाई गोली चली थी, तब ठीक। अब बाहर से जो लोग श्रद्धालु आते हैं, अदर अदर कंट्री से आते हैं, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? वही संदेशा देना चाहती हूँ जो भावना से और पक्का भावना से आता है। मुझे पता भी नहीं था, मैं घर से जब आई थी मेरे पास एक भी पैसे नहीं था, और मैंने अपनी मनोकामना जो जुड़े हुए थे मेरे पास, उन्हीं पैसों से मैं आई थी। मैंने कि मुझे जाना है तो जाना है, धाम पर जाना है तो जाना है। मैं अपनी माँ के साथ आती थी, माँ के एक बार अपनी माँ को लेके आई थी, दो तीन बार माँ को लेके आई और बेटा के साथ। आपका पर्चा अभी बना नहीं है? अभी पर्चा नहीं, गुरु दक्षिणा ले ली है, गुरु से मिल चुकी हूँ, आज भी मैं गुरु जी से मिली हूँ। तब बालाजी की कृपा से, गुरु जी के कहने से ही नामकरण भी करवाया था जी। एक दीदी आई थी उनको देख, मैं वो भी आई थी, कह रही थी मैं भी साथ, वो भी अंदर आ गई है। आज इसका नामकरण हुआ, नामकरण कराया, वीरांगना इसका नाम रखा है गुरु जी ने जी बहन। हाँ तो आज आप खुश हैं? हाँ खुश हूँ, मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जो मैंने अब कष्ट पाए वो नहीं चाहती हूँ, सिर्फ भावना। बिना पर्चे के ही आपके ऊपर बालाजी सरकार, बालाजी की कृपा है, और मैं जो चाहती हूँ वो पूरा होता है। बिल्कुल बहन, जो भावना से मैंने अगर ठान लिया वो पक्का पूरा होता है। मैंने ठान लिया था, मैंने अखंड ज्योत जलाई थी, मैंने नियम का पालन किया था, नियम का पालन किया, सत्य का मार्ग अपनाया, और जो मैंने ठाना था वो मैंने किया था। मैंने ये सोच लिया था मुझे किसी के साथ ना ही गलत करना है,
ना ही मुझे उस मार्ग पर चलना है जहाँ मुझे कष्ट हो, ना ही किसी से बुरा भला बोलना है, अपना मार्ग अपनाना है और अपने बच्चे के लिए सब कुछ। अब आपकी फैमिली वाले भी खुश? सब कुछ ठीक है। चलिए, जय सियाराम। जय सियाराम। मेरा बच्चा तो बहुत खुश होता है। चलिए।